Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ for this new week. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं इस नए हफ्ते में. The Lord has added another brand new day to our lives. और परमेश्वर ने एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है. So it is appropriate that we give a few minutes silent and listen to the voice of God. और इसलिए ये अच्छा ही होगा, ये भला ही होगा कि हम कुछ क्षण एकांत या शांति में रहकर परमेश्वर के वचन से सुने. This is a short meditation time. और ये एक छोटे से मनन का समय है. Matthew, today's meditation is centered around the passage from the Gospel according to St. Matthew chapter 14. और आज के हमारे मनन के लिए हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय से अपने वचन को लिया है. And chapter 14 verses 34, 35 and 36. और 34वें वचन से लेकर 36वें वचन तक. The word of the Lord says here, when they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched him were healed. वे पार उतर कर गनेसरत में पहुंचे. वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास ले आए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए. May the Lord's blessing be for us through the studying of this passage. और होने दे परमेश्वर का आशीष हम सब के साथ हो जब हम इस वचन पर अपने मनन को रखते हैं. Now when you read a passage like this, you get a feeling of a church gathering. और जब आप इस प्रकार के एक वचन के भाग को पढ़ते हैं तो आपको भावना आता है या सोच में आता है कलीसिया का इकट्ठा होना. It says here that when they had crossed over, they landed at Gennesaret. And look what the people did. Knowing that Jesus was there, they sent word and gathered all the people from surrounding places. और वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वो गनेसरत नगर में उतरे, वहाँ के लोगों ने जब यीशु को पहचान लिया, तो आसपास के नगरों और देशों में संदेश भेजकर सबको ये बताया कि यीशु वहाँ है, और वे सब बीमारों को यीशु के पास ले आए. Don't you get a feeling that it's a church service? Jesus is present, and then so many people with all kinds of needs. और क्या आपको ऐसा अनुभव या भावना नहीं आता कि एक कलीसिया की सहभागिता के जैसे लगता है कि यीशु की उपस्थिति वहाँ मौजूद है, लोग वहाँ मौजूद हैं और लोग बीमारों को लेकर आ रहे हैं चंगा होने के लिए. And the people have never witnessed such kind of a gathering. और लोगों ने इस प्रकार के जो इकट्ठा होना है उसे कभी नहीं देखा था. So my subject is what makes a church service different. और इसलिए आज की सुबह मेरा जो शीर्षक है इस मनन के लिए वो है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक कलीसिया को कि एक सभा को और बातों से अलग करती है. Even today, आज के दिन भी a church gathering is unlike any other gatherings. एक कलीसिया का इकट्ठा होना किसी दूसरी सहभागिता से के जैसा नहीं है. There are all kinds of gatherings. हर प्रकार की सहभागिता होती है. Religious gatherings. और धार्मिक सहभागिताएं. Political gatherings. और राजनीतिक के सहभागिता. And all kinds of conferences of religious conference or political conference or committee gatherings. All kinds of gatherings. और हर प्रकार का इकट्ठा होना, हर प्रकार की सभाएं होती है, चाहे वो धर्म की सभाएं हो, राजनेताओं की सभाएं हो, संशोधन के लेके सभाएं, हर तरीके की. And so here we have a gathering very special, unlike any other gathering. और यहाँ पर हमारे पास एक खास रीति से सहभागिता को हम देखते हैं वचन के इस भाग में, जो और इकट्ठा होना या सहभागिताओं से अलग है.
The people who gather in a church setup also is different. और वे लोग जो कलीसिया के इस सहभागिता में इकट्ठा होते हैं आते हैं वो भी अलग हैं। Because God's people are unlike any other people. क्योंकि परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों से कुछ अलग हैं। And they are different. और वो अलग हैं। God's people are unlike other people. और परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों के जैसे नहीं हैं। We live in this world. हम इस संसार में जीते हैं। But we are not of the world. लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। Now that definitely makes anyone different. और ये बात जरूरी है कि एक को अलग करती है या खास बनाती है। And people find it very difficult to accept and enjoy people who are unlike others. और लोग इस बात को लेकर इस बात को बड़ा कठिन समझते हैं कि वो दूसरों के समान नहीं हैं। That's why Christians are persecuted and hated all over the world. और इसी कारणवश मसीहों या ईसाइयों को विश्व भर में उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका सताव किया जाता है। And so what makes a church gathering or gathering of the people different from any other gathering? तो कौन सी ऐसी बात है जो कलीसिया के इकट्ठा होना को दूसरी बातों से अलग करती है? I would like to mention at least four reasons why church gathering or gathering of God's people are different. और मैं कम से कम चार कारणों को आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कलीसिया का इकट्ठा होना दूसरी सभाओं से कुछ अलग है। Now, number one, पहली बात, the presence of Christ Jesus, the risen Lord, makes a difference. और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उस सहभागिता में उसे खास बनाती है या अलग करती है। And this is the most important thing to notice. और ये वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान लगाना है। The followers of the Lord Jesus Christ gather and sit down in his presence by faith. और प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी और अनुयायी विश्वास के द्वारा उसकी उपस्थिति में बैठकर सहभागिता करते हैं। There is nothing visible. और कुछ ऐसा नहीं है जो आंखों से शारीरिक आंखों से दिखाई दे। Like an object of idols or images made of wood or silver or gold, whatever. ऐसा कुछ भी नहीं, कैसी कोई मूरत या मूर्ति नहीं जो सोना चांदी लकड़ी या मिट्टी से बनाई गई हो। And this is the most important thing to notice. और ये वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें अपने ध्यान को लगाना है। They gather together. वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। And they sit down. और वो एक साथ बैठते हैं। Before a very invisible God. और एक ऐसे परमेश्वर के सम्मुख जो अदृश्य है। And yet the one and only living God who is the creator. लेकिन फिर भी एक वो जीविता परमेश्वर जो सृजनहार और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। And there is nothing else as an object of worship. और याद रखिए कुछ और है ही नहीं जो हमारी आराधना के योग्य है। Yet the gathering begins to pray. और फिर भी वो लोगों का इकट्ठा होने में सब लोग वो मिलकर परमेश्वर का से प्रार्थना करते हैं। They begin to sing. और वो गीत गाते हैं। Songs of praises. स्तुति के गान। And suddenly the atmosphere within that gathering is charged with the power of the presence of the invisible God whom we come to worship, who is real. और अचानक से वो पूरा वातावरण उस परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है जिसमें सहभागिता करने के लिए हम सब आते हैं। We know he is in our midst according to his own promise. और हम जानते हैं कि वो हमारे मध्य मौजूद है उसके अपने वादे के अनुसार। This God has promised. और इस परमेश्वर ने ये वादा किया है। That if two or three gather together anywhere, anytime, in the name of the Lord Jesus Christ, he shall be in the midst of such people. कि दो या तीन जब मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उस स्थान पर उपस्थित होऊंगा। How do we know? और हम ये कैसे जानते हैं? We know it like wind. जैसे हवा। A wind cannot be seen. हवा को आप देख नहीं सकते। And yet we know the wind is blowing. लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हवा चलती है। How? कैसे? By its activities. उसके कार्य के द्वारा। The leaves are moving. और वो पत्ते पेड़ पर हिलते हैं। And the twigs of trees also shaking. और वो जो डालियां हैं वो भी हिलती हैं। And we feel the breeze when it blows touching
our body. और हम भी उस हवा को महसूस करते हैं जब वो हमारी इस शरीर को छूता है. And in the same way, और इसी तरीके से we know the Lord and His presence by His activities. हम परमेश्वर को भी जानते हैं और उसकी उपस्थिति को भी उसके कार्यों से समझते हैं. And we know that He is in our midst by the testimonies of people who utter their words, how they have experienced and enjoyed God's power and God's healing. और याद रखिए, हम इस बात को भी देखते हैं कैसे उन लोगों ने परमेश्वर की चंगाई और सामर्थ का अनुभव किया है जो इस प्रकार की सहभागिता परमेश्वर से करते हैं. So the testimonies of people who gather and their experiences of the power of God according to His own promise. और इसलिए वे लोग जो ऐसी सहभागिता में इकट्ठा होते हैं, उनकी गवाहियां और उनके जीवनों में परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव. Lives are changed. जीवन बदल जाते हैं. Sick are healed. और जो रोगी हैं वो चंगे हो जाते हैं. Burdens are lifted up. बोझ उठा लिए जाते हैं. And we feel a tremendous peace. और हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है. And joy fills our hearts. और वो आनंद हमारे हृदयों को भर देता है. And that causes us to sing praises with enthusiasm. और ये बात हमें उत्साह के संग उसकी स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करती है. And encouraging one another by their testimony. और एक दूसरे का प्रोत्साहन हम करते हैं उन गवाहियों के द्वारा. These are the activities. और ये वो कार्य हैं. And by these activities we know that God and His power is present when we gather in His name. और इन गतिविधियों और परिस्थितियों के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच मौजूद है. Secondly, दूसरी बात, we know His presence because of the presence of those who know Christ. और हम उसकी उपस्थिति को जानते हैं उनकी उपस्थिति के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव करते हैं. Look at verse 35, the first part of it. और 35वें वचन के पहले भाग की ओर आप देखें. And when the men of that place recognized Jesus. वहां के लोगों ने जब उसे पहचान लिया. They sent word to all surrounding country. तब उन्होंने आसपास के सारे देश में समाचार फैला दिया. Why should they send word to the surrounding areas simply because one person has come there? और क्यों ये लोग आसपास के देश में ये समाचार फैला रहे हैं जब एक साधारण सा व्यक्ति उनके नगर में आया है? Because the people of that particular place knew him. क्योंकि उस स्थान के जो लोग थे वो यीशु को जानते थे. They were blessed. और वो आशीषित हुए थे. They were healed. और वो चंगे हुए They थे. saw the miracles. और उन्हें चंगाइयों को और चमत्कारों को so देखा now था. They want their neighboring places to experience that same kind of blessing. और अब वो अपने जो पड़ोसी आसपास के लोग हैं देश के, उनको बुलाकर ये अनुभव कराना चाहते थे ताकि वो भी उन आशीषों का अनुभव करने पाए. Second Timothy chapter 2 verse 12 Paul says. और दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 12वें वचन में पौलुस कहता है. I know whom I have believed. और मैं जानता हूं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया. That he is able. क्योंकि वो योग्य है. This is a certain assurance. और ये तो एक निश्चित ही वादा है. A confident. और एक हियाव. I tell you, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ. Any visitor coming to our Sunday service, अगर कोई नया व्यक्ति हमारे रविवार की सभा में आता है, must immediately sense his presence, and very often we know they enjoy it because they say, I felt such a peace in this place. और उस व्यक्ति को तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए. और हमें भी ये पता चलता है कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया क्योंकि वो आकर इस गवाही को हमें बताते हैं कि उन्हें सहभागिता करना अच्छा लगा. What a wonderful testimony. और कितनी अद्भुत गवाहियां हैं ये. They still don't know Jesus. वो अभी भी यीशु को नहीं जानते. But the peace that God's people are experiencing overflows and it also gets into the air. And others who do not know Jesus
begin to experience the same. लेकिन सोचिए कि कितना अच्छा और अद्भुत अनुभव है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उस शांति का अनुभव करते हैं और वो शांति परिपूर्णता और बहुतायत से बहकर दूसरों के जीवन में भी जाती है और वे भी उस शांति की आशीष को पाते हैं. There are three things I want to mention here. और इस भाग में मैं तीन बातों को आपके सम्मुख रखता हूँ. The people's reverence tells they are in Christ's presence. और लोगों का परमेश्वर के प्रति भय इस बात को दिखाता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है. Secondly, दूसरी बात, by their prayers one can know they are in the presence of Christ. और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा भी एक इस बात को समझ और जान सकता है कि वो प्रभु परमेश्वर यीशु की उपस्थिति में है. And thirdly, और तीसरी बात, by the readiness of their witness one will know they have no doubt they are in his presence. और एक जब उसके लिए गवाह बनने को तैयार है उसकी उपस्थिति में तब भी ये संदेह नहीं होता है. And they also know that they must give thanks to him by their testimony. और ये लोग ये भी जानते हैं कि अपनी गवाहियों के द्वारा उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद देना है. That's why very often we have testimonies in our gathering. और इसीलिए कई बार हमारी सहभागिताओं में सभाओं में वो गवाहियां होती हैं. Testimonies of miraculous experiences will encourage others to trust in this. और वो गवाहियां जो चमत्कार चिन्ह परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए वो दूसरों को प्रोत्साहित करेगी. And the third thing, और तीसरी बात है, the presence of those in need. वे लोग जो आवश्यकता में हैं उनकी उपस्थिति. Look at 35 verse, the second part of it. और 35वें वचन के दूसरे भाग की ओर हम जाएं. Where it says, people brought all their sick to him. और सब बीमारों को उसके पास ले आए. Now, sick means all kinds of ailments and sicknesses. और जब बीमारी की बात यहाँ हो रही है तो हर प्रकार के रोग और बीमारी है. Including demon possession. और जिसमें दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग भी शामिल है. And people brought all their sick people to him. और लोग अपने सारे बीमार लोगों को लेकर उसके सम्मुख आ गए. And the people requested Jesus to allow these sick people to touch the edge of his garment. और परमेश्वर से ये विनती और ये अनुरोध किया कि इन बीमार लोगों को उसके चोगे का कोना या एक टुकड़ा छूने दे. And here the Bible says, और यहाँ पर वचन बताता है, everyone who touched him in that way were healed. और हर एक वो जन जिसने उसके चोगे को छुआ विश्वास के साथ वो चंगा हो गए. Praise the Lord for that. परमेश्वर को स्तुति हो. And let us be a believing church. और होने दे हम भी एक विश्वास करने वाले कलीसिया के रूप में इकट्ठा होने पर. And the fourth and the last thing I want to mention. जो चौथी और अंतिम बात है. What makes a difference between the Christian gathering and other gathering? कौन सी बात कलीसिया का इकट्ठा होना और दूसरी सभाओं से कलीसिया को अलग करती है? We are men who find life. ये तो एक ऐसा स्थान है, सभा है, जहाँ पर मनुष्य को जीवन प्राप्त होता Verse 36 says, 36वें वचन में लिखा है, And they begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched him were healed. यहाँ पे लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए. You notice what a change of reaction. और देखिए कितना बड़ा बदलाव वहां पर हुआ. The people whose lives have been transformed. और ऐसे लोग जिनके जीवन बदल गए. Gathered together. वे इकट्ठा हुए. And experience the presence of the risen cross. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उसकी उपस्थिति का अनुभव किया. Now you will never, never experience such kind of a blessing. No matter which gathering you go to. और आप इस प्रकार की आशीषों का कभी भी किसी दूसरे स्थान पर या सहभागिता में अनुभव नहीं कर सकते. No religious gathering can do. और कोई भी धार्मिक इकट्ठा होना या सभा में आप इसका अनुभव नहीं कर सकते. But those who are in the presence of one truly living God, who is able or with whom all things are possible, only there. You will experience that. लेकिन the Lord Jesus Christ. लेकिन वे लोग जो इस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं, जो कुछ भी कर सकता है और जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो ऐसी बातों को करेंगे. So those
who are present, their lives have been changed. और इसलिए जो वहाँ उपस्थित हैं, उनके जीवन बदल जाते हैं. And when such people gather together, और जब ऐसे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, there is such a life-transforming power and the presence. तब एक जीवन बदलने वाला सामर्थ्य और उपस्थिति परमेश्वर की वहाँ आती है. Secondly, दूसरी बात, the presence of those who know Christ enjoy the manifest presence of the Lord is in their midst. और वे लोग जो परमेश्वर की महसूस और अनुभव किए जाने वाली उपस्थिति को जानते और समझते हैं, वैसी उपस्थिति का अनुभव कर वहां उत्साह मनाते हैं. The manifest presence means the presence of the Lord begins to release life transforming power. और ये अनुभव करने वाले सामर्थ्य या उपस्थिति का मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे सामर्थ्य को प्रकट करने लगती है कि उस सामर्थ्य और महिमा से लोग उसका अनुभव करते हैं. And they will know that the Lord is in their midst. और जीवन बदलने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि लोग परमेश्वर हमारे मध्य मौजूद हैं. And thirdly, और तीसरी बात, then they proclaim His faithfulness. और फिर वो उसकी विश्वास योग्यता की घोषणा करते हैं. And they will bring those who have a needs and place them before the Lord. और वे ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जिनकी आवश्यकताएं या जरूरतें हैं और उन जरूरतों को वो सब परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं. Like the four friends who brought a paralytic man and place him right in front of Jesus. जैसे वो चार मित्र जो एक लकवाग्रस्त मित्र को लेकर झोपड़ी के बीच से ऊपर छत से छत हटाकर उसे नीचे यीशु के सम्मुख ले आए. And the fourthly, और चौथी बात, the Lord let them reach out and touch him. कि परमेश्वर ने अनुमति दिया कि वो आगे बढ़कर उसके चोगे को छुए और चंगे हो जाए. And those who touched him, और जितनों ने उसे छुआ, were healed. वो चंगे हो गए. And delivered, और उन्हें छुटकारा पाया. And saved, और वो बचा लिए गए. Changed their lives, और वो अपने जीवनों को उनके जीवन बदल गए. And go home as new creation, और वो अपने घर गए नई सृष्टि के रूप में. That's what makes a difference between the gathering of the church. And any other gathering. और ये एक वो बात है जो एक दूसरे इकट्ठा होना और कलीसिया की सहभागिता या इकट्ठा होने से कलीसिया को अलग करती है. I pray that all our churches. और मेरी प्रार्थना ये है कि हमारी सारी कलीसियाएं. I am not talking about denomination. मैं किसी संस्था की बात नहीं कर रहा. It doesn't matter what denominations. ये मायने नहीं रखता किस संस्था से आप हैं. Any denominations who believe in the whole teaching of the Bible and practice the Bible. Listen, can experience such kind of miraculous manifestation of God's power that makes your church different from any other gathering. और वे सारे लोग जो ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और ऐसे परमेश्वर की समय आकर सहभागिता करते हैं, तब वो ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं. और ये परमेश्वर की उपस्थिति और अनुभव ही कलीसिया की सहभागिता को एक Lord, अलग रूप रखती है. We know that what makes a difference when the church comes together is the presence of the living acting work of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरी ये जीवित उपस्थिति ही है जो कलीसिया के इकट्ठे या सहभागिता करने में जो मौजूद होती है, वही कलीसिया को दूसरी सभाओं से अलग करती है. And we need the Holy Spirit. और हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं. For the power of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तूने हमें दिया. Who makes Jesus precious to all of us. जो हम सबको यीशु मसीह को बहुमूल्य ठहराता है. And who helps the people who are hungry for God. और ऐसे लोगों की सहायता करता है जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं. Thank you. धन्यवाद. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. परमेश्वर आपके कलीसियाओं को आशीष, जहां पर आप भाग लेते हैं. आमेन. आमेन.